Hey guys, this is Salman Syed and welcome back to my channel. आज travel date number 7 है और अभी मैं हूँ पोर्टलैंड में. पोर्टलैंड एक बहुत ही famous शहर है ओरिगन में. ओरिगन जो स्टेट है US के मैप में अगर आप देखो तो यहाँ पे दिखता है. और currently मैं खड़ा हूँ मेरी हॉस्टल के सामने. तो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है आप देख लो, ये जूनी बिल्डिंग, ये नवी बिल्डिंग इसको कहा जाता है. ये मेरा हॉस्टल है. वैसे पोर्टलैंड ओरिगन का कैपिटल तो नहीं है पर यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है और ये सिटी को वियर्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ की सबसे फेवरेट ड्रिंक और सबसे फेमस ड्रिंक अगर कुछ है तो वो यहाँ की बियर है, जो मैं नहीं पीता हूँ तो शायद आप लोग को भी देखने नहीं मिलेगा वो. पर उसके अलावा दूसरी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है आज के टूर में. आज का टूर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन है पोर्टलैंड में और उनमें से आज का दिन मैं ट्रैवल करूंगा और कल का दिन जो है उसमें मैं एक ख़ास शख्स, जो ख़ास इंसान है यहाँ के बाजू के सिटी में वैंकूवर में जो रहते हैं, उनसे मिलने जाने वाला हूँ. आप में से बहुत लोग उनको फॉलो भी करते होंगे यूट्यूब पे. वो यूट्यूब के बहुत बड़ी हस्ती है, मैं बहुत छोटा हूँ तो कुछ उनसे सीखने जाऊँगा. और मैं उम्मीद करता हूँ उनके साथ जो वीडियो मैं बनाऊँगा या उनके साथ जो सिटी को एक्सप्लोर करूँगा, जो वो वीडियो होगा वो भी बहुत मज़ेदार होगा. जैसे कि आज मेरे पास एक ही दिन है तो आज का जो प्लान है वो है यहाँ के सबसे फेमस गार्डन में सबसे पहला जाने का, जिसको कहते हैं जापानीज़ गार्डन. फिर उसके सामने रोज़ गार्डन है, इंटरनेशनल रोज़ गार्डन, जहाँ पे जो रोज़ेस है, जो गुलाब के फूल है, पूरी दुनिया के कोने कोने से ला के वहाँ पर उगाए जाते हैं. फिर उसके बाद वहाँ पे एक और बहुत ही प्यारा मेमोरियल है जिसको हॉलोकॉस्ट मेमोरियल बोलते हैं, हम लोग वो देखने जाएंगे. फिर वहाँ से मैं निकलूँगा डाउनटाउन के लिए, डाउनटाउन जो अमेरिका के शहर का मेन हिस्सा होता है, तो हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत. और फिर यर एंड देर यहाँ की थोड़ी एक्सपीरियंस और यहाँ का जो लोकल कल्चर है हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. अभी मेरे साथ है क्लियर स्क्री क्रीपर, जो एक और यूट्यूबर है एंड आई पुट हिज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज ही इज़ अ गुड व्लॉगर एंड ही इज़ फ्रॉम पोर्टलैंड. और यहीं से है और अभी ये हमको थोड़ा बहुत बताएंगे कि ये बिल्डिंग क्यों इतनी फेमस है. What was the building significance about? Oh, for sure. Nice to meet you, by the way, dude. And I'm gonna check out your channel. I definitely love meeting other YouTubers first and foremost. This building here, not only is it on the National Register of Historic Places here in Portland because it was built in 1915, and you just don't really see this kind of architectural structure anymore. But this right here in the winter holidays through 1946 and 47-ish, two of America's most infamous gangsters, Bugsy Siegel and Mickey Cohen, both hid out here running from the feds for racketeering amongst other charges in Nevada. So they hid out here in Portland. There was a lot of other things going on here at the time. So they knew some other people that kind of tipped them off and said, hey, we've got these quarters here that are safe and the upcoming mansions kind of blocked it. Burnside separated the two and so room 308 where they hid right there. तो अभी हम जिस बिल्डिंग के बारे में जानकारी लिए उसको कहते हैं टूडर आर्म्स. टूडर आर्म्स यहाँ की एक लोकल बिल्डिंग है और उसमें लोकल इंसिडेंट्स हुए हैं. और क्लियर स्काई क्रीपर जो बंदा है, यूट्यूबर है, उन्होंने हमको थोड़ा बारे में बताया. तो ऐसे ही मज़ा आता है जब आप ट्रैवल करते हो, आप लोगों को मिलते हो और थोड़ी बहुत लोकल नॉलेज यहाँ से वहाँ से आप गैदर करते हो. मैं हाईली रेकमेंड करूँगा उनका चैनल देखने के लिए अगर आपको और पोर्टलैंड के बारे में जानना है तो. फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी पे और जाके घूमते हैं जापानीज गार्डन. अभी मैं पहुंच गया हूं जापानीज़ गार्डन पोर्टलैंड में. और ये जो गार्डन है बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा तो जापानीज़ टी के लिए और जापानीज़ स्टाइल के जो फ्लावर्स है और यहाँ पे जापानीज़ स्टाइल के हाउसेस है. लोग ये कहते हैं कि जापान के बाहर अगर कोई सबसे अच्छा जापानीज़ गार्डन है तो वो ये है. ओके कूल, तो टिकट ले लिया है अंदर आने का. और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना स्टूडेंट आई डी हमेशा ले कर कैरी करो, कहीं पर भी हो, इंडिया में हो, बाहर हो, क्योंकि स्टूडेंट आईडी आपको हमेशा डिस्काउंट दिलाता है. तो मुझे भी $3 का डिस्काउंट मिला. जापानीज गार्डन एक क्वाइट प्लेस है तो यहाँ पे व्लॉगिंग करना अलाउ नहीं है. ये गार्डन वॉशिंगटन पार्क में है और यहाँ पे 8 डिफरेंट गार्डन्स हैं.
एक्चुअल पार्क स्टार्ट होता है ये मिज़ू गेट से, फिर इसके आगे लेफ्ट में ये है पवेलियन बिल्डिंग और यहाँ पे अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं। इस बिल्डिंग के पीछे है फ्लैट गार्डन और सामने राइट साइड में है सैंड एंड स्टोन गार्डन। फ्लैट एंड सैंड एंड स्टोन गार्डन एग्जाम्पल्स हैं जापान के ड्राई लैंडस्केप गार्डन के। ये गार्डन्स रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी ऑफ ब्लैंक स्पेसेस। इस गार्डन का सबसे बड़ा हिस्सा है ये स्क्रोलिंग पॉन्ड गार्डन जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला अपर पॉन्ड, उसके साथ है ये मून ब्रिज और दूसरा लोअर पॉन्ड जहाँ पे ये सबसे फेमस जिगजैग ब्रिज और ये हेवनली फॉल कनेक्ट होता है। इसके अलावा इस गार्डन में है नेचुरल गार्डन, टी गार्डन एंड टी कैफेज, सपोरो पगोता, मून गेट और बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स। तो जापानीज गार्डन घूमने के बाद मैं उसके सामने वाले ब्लॉक में आया हूँ जहाँ पे एक और मज़ेदार गार्डन है जिसको कहते हैं रोज गार्डन, जो कि आप देख लो साइन यहाँ पे है। 1917 में ये गार्डन को स्टार्ट किया था और रोज़ गार्डन ये जो है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रोज़ गार्डन। इंटरनेशनल रोज़ गार्डन अराउंड 4.5 एकड़ इतना बड़ा है। यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा रोज़ प्लांट्स है और अराउंड 600 से भी ज़्यादा प्रजाति के रोज़ उगाए जाते हैं। तो ये जो एक लाइन होती है इसको बोलते हैं रोज़ बेड, बेड लाइक बेड जिस पर हम लोग सोते हैं वैसा वाला बेड, तो रोज़ बेड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे इन सारे रोज़ेस का जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये येलो वाला हैप्पी गो लकी गुड इज़ गोल्ड, फिर यहाँ पे है पोर्टलैंड्स बेस्ट रोज़ प्रिटी लेडी रोज़, देन यहाँ पे है गोल्ड स्ट्रक, फिर यहाँ पे ऐसे ही और अलग अलग रोज़ेस है। तो उनकी जो डिटेल है जो रोज़ यहाँ पे उगते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। एंड ऑनेस्टली अगर आप यहाँ पे आते हो मई से लेकर अक्टूबर तक, ये हेवन है, एकदम हेवन जैसा दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके फ़ोटोज़ देखे मैंने और ये कुछ सारी फ़ोटोज़ है, आप लोग भी देख लो मैंने जो इंटरनेट से उठाए हैं। रोज़ गार्डन के बाद अब मैं जा रहा हूँ होलोकॉस्ट मेमोरियल। होलोकॉस्ट मेमोरियल जो है ये रोज़ गार्डन से थोड़ा ही बाजू में है, 2 मिनट की दूरी पे अगर आप वॉक करोगे तो लेफ्ट साइड में डाउन हिल। और जैसे ही आप यहाँ पे अंदर आते हो तो पहली बात तो ये है कि ये फ्री एरिया है तो आपको यहाँ पे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो वॉकवे है यहाँ पे ये छोटे छोटे जो पुराने उस टाइम के जो डॉल्स है या फिर ये किसी चीज़ का टुकड़ा है घर का, यहाँ पे छोटा सा टूटा हुआ वायलिन है, यहाँ पे बच्चे के शूज़ है, बच्चा का छोटा सा चश्मा है टूटा हुआ, फिर यहाँ पे सूटकेस है, वहाँ पे एक और डॉल है। ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे प्लेस किए हैं ये एक्चुअल आपको फील देने के लिए। ऑनेस्टली मेरे को गूज़बम्स आ रहा है अभी ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए। बहुत बहुत ही इमोशनल चीज़ है ये, एंड इसकी ज़री भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, आपको बहुत समझ के लेना चाहिए। क्योंकि ये जो बनाया गया है होलोकॉस्ट मेमोरियल ये उन लोगों की मेमोरी में बनाया गया है जो लोग उस समय पे जिनकी देहांत हो गई और जो लोग उसको सरवाइव भी करे, जो मंजर वो लोग सरवाइव करे। तो जैसे ही आप अंदर आते हो सबसे पहले आपको ये एक वॉल दिखेगी, ये वॉल पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस समय का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है। वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि अराउंड 25 मिलियन से ज़्यादा लोग गायब हो गए यूरोप से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसमें से 6 मिलियन जो ज्यूइश थे जो शिकार हुए होलोकॉस्ट जो प्रैक्टिस है नाज़ी जर्मन लोग ने किया था हिटलर के ऑर्डर के हिसाब से। फिर ये वॉल के बाजू में ही यहाँ पे एक सेमी सर्कल की वॉल है जहाँ पे ये ब्लैक पैचेस जो देख रहे हो यहाँ पे कोट्स लिखी हुई है। कोट्स जो है एक्चुअल में ये लोगों के शब्द है, लाइफ वॉज अनसर्टेन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे कोट है, सारे नहीं पढ़ूंगा मैं क्योंकि हमारे पास कम समय है। फिर यहाँ पे लिखा है द फियर हैज़ नेवर लेफ्ट मी, तो वैसे ही अलग अलग यहाँ पे ये जो कोट्स है ये लोगों के एक्चुअल वर्ड है, ये वर्ड उन लोगों के है जो वो मंजर होलोकॉस्ट को सरवाइव करके आगे बढ़े लाइफ में। तो जब ये 2004 में बनाया गया होगा मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों से पूछा गया होगा कि आपकी फीलिंग कैसी है होलोकॉस्ट के बारे में, और ये उनके वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और सीधा जाते हैं डाउनटाउन क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें घूमनी है। तो सी यू इन डाउनटाउन। तो अभी हम है डाउनटाउन में, पोर्टलैंड का जो डाउनटाउन एरिया है, और अगर आप लोगों को पता हो डाउनटाउन जो होता है जो मेन सेंटर होता है सिटी का उसको बोलते हैं डाउनटाउन, जहाँ पे
मोस्टली मेजर मेन बिल्डिंग्स या बिजनेस हब या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है वो सारी इस एरिया में होती है। हर सिटी में अमेरिका में डाउनटाउन बहुत इम्पोर्टेंट एरिया होता है। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसको कहते हैं क्लेयर फाउंटेन। सो ये ऐसा ब्रिक्स और सीमेंट से बना हुआ एक फाउंटेन एरिया है, मैन मेड है, बहुत बड़ा है और जो इसका डिज़ाइन है अगर आप देखो तो एक भूल भुलैया जैसा है या फिर आप मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ जैसा है। थोड़ा सा अजीब डिज़ाइन है पर दिखने में कूल लग रहा है। तो उसके नीचे जाता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि नीचे से कैसा दिखता है। तो ये पूरा फाउंटेन है गाइस और अभी पता नहीं क्यों ये चल नहीं रहा है पर दिखने में तो बहुत कूल लग रहा है। और यहाँ पे एक फेमस बड़ी बिल्डिंग है और ये डाउनटाउन की सबसे मेन बिल्डिंग है पोर्टलैंड की। फिर इस केलर फाउंटेन के सामने है ये केलर ऑडिटोरियम जो बहुत फेमस ऑडिटोरियम है यहाँ पे शोज़ के लिए। तो ऐसा था मेरा आज का दिन पोर्टलैंड में और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया ये वीडियो देख के, पोर्टलैंड को देख के एक दिन में। जैसे कि मेरे पास, मैंने पहले कहा मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है पोर्टलैंड में, जो मेरा दूसरा दिन है वो किसी और के साथ है एंड थोड़ा बिजी जाने वाला है तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा या बना पाऊंगा पर पता नहीं क्या होने वाला है तो वो तो कल पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आया वीडियो देख के। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। आपके पास कोई भी कमेंट्स है, सजेशन है, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो प्लीज़ लिख दो कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नवे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। आपको मिलता हूँ मैं कल एक और सरप्राइजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ में जो करना है करो बट डोंट फॉरगेट टू स्टे हैप्पी। चाओ।